हो जाएगा। किसी ने उसी से मिलता जुलता सवाल किया है, नाम किस तरह लिखना चाहिए, पहले नाम लिखे या सरनेम लिखे, क्योंकि यहाँ पर पहले सरनेम लिखते हैं बाज नाम वगैरह अरब में पहले नाम लिखते हैं, क्या करें। देखिए आप नाम पहले लिखे या बाद में लिखे इसमें कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि सरनेम जो होता है वो लास्ट नेम होता है इंग्लिश के मुताबिक, ठीक है। और जब बोला जाता है तो लास्ट बोला जाता है, जब लिखा जाता है तो फर्स्ट लिखा जाता है, ये सिस्टम है। अगर आप मेरा नाम ऐसा मिसा, तो मेरा नाम बार बार क्यों दे रहा हूँ, मैं मशहूर नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल चूँकि किसी और का दूंगा तो लोग परेशान होते हैं, फैज अली सैयद है, ठीक है। लेकिन जब इसको लिखा जाएगा तो सैयद फैज अली लिखा जाएगा, लेकिन जब बोला जाएगा तो फैज अली सैयद बोला जाएगा, चूँकि सरनेम इज लास्ट नेम बट रिटर्न फॉर्म में पहला, तो आप कहीं भी लिखेंगे फैज अली सैयद तो जब मेरा टिकट होगा या वो होगा तो कैसा लिखाएंगे ना मालूम, सैयद कॉमा फैज अली, यही होता है सिस्टम ही ऐसा, याद रखिए। तो आप किसी का नाम मिडिल नाम के साथ रहता, मिडिल नाम मतलब वालिद का नाम मिडिल नेम होता है, याद रखिए। तो मिडिल नेम के साथ मेरा नाम होता है फैज अली आजम अली सैयद, अब इसको कैसा लिखा जाएगा, सैयद फैज अली सैयद आजम अली, क्योंकि सरनेम दोनों के साथ लग जाएगा, सरनेम जैसे पासवर्ड होता है ना, सरनेम फैज अली आजम अली, जब अलग लिखेंगे तो सैयद फैज अली सैयद आजम अली, चूँकि सरनेम दोनों का है, समझ रहे आप। तो इस तरह से होता है, तो ये डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले लिखते हैं बाद में लिखा, पेपर पे आपने लिखा फैज अली सैयद या सैयद फैज अली, कोई मसला नहीं, आप ही वो है, सैयद आगे लगो सैयद पीछे लगो, या आप खान है पठान है या फिर शर्मा है वर्मा है पांडे है और जो भी बहरहाल हो सकता है, तो ये आगे पीछे बहरहाल उसमें होने से कोई फर्क नहीं होता है। सर السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں، روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں، جزاک اللہ۔